दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप की मैच में जीत हासिल करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को लेकर डेविड वॉर्नर ने की सनसनी मचा देने वाली भविष्यवाणी। मैच के लिए एक ऐसी टीम को बताया विजेता जिसका नाम सुनकर आपके भी होश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच खेला जाने वाला है जिसके लिए तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रहे हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भविष्यवाणी की और इस दौरान उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसी टीम को जीत का प्रबल दावेदार घोषित कर दिया जिसका नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिरकार डेविड वॉर्नर ने भविष्यवाणी करते हुए भारत पाकिस्तान मैच में किसको जीत का प्रबल दावेदार बताया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, डेविड वॉर्नर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन बेहतरीन सलामी बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और रोमांचक मैच भारत और पाकिस्तान के बीच अब से कुछ ही घंटे के अंदर खेला जाने वाला है जो कि अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें, भारतीय टीम ने इस साल एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जीत हासिल करी थी और ऐसे में एक बार फिर से वनडे वर्ल्ड कप में लगातार जीत के रथ को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर भविष्यवाणी कर सनसनी मचा दी, जिसमें डेविड वॉर्नर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होने वाला है जिसके लिए सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट जगत तैयार है। सभी को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक होता है। इस मैच के लिए पूरी दुनिया इंतजार करती है। हालांकि इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मैच खेले गए और दोनों में भारतीय टीम का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन अब वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच खेला जाने वाला है। एशिया कप मैच के लिए किसी की इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए पूरी दुनिया तैयार रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच के लिए एक बार फिर से रोमांच की सारी हदें पार होने वाली हैं, क्योंकि दोनों टीमों के पास सबसे बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसके चलते दोनों टीमों के बीच एक क्रिकेट का जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम तो अपने शानदार फॉर्म में चल रही है, साथ में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन भी लगातार बेहतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोनों टीम अपने जीत के रथ को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। लेकिन इस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने एक टीम के विजय रथ को रोकने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। हालांकि दोनों टीमों के पास सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इस समय मेरे अनुसार भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है, क्योंकि भारतीय टीम के पास सबसे बेहतरीन गेंदबाज तो मौजूद हैं, साथ में भारतीय टीम के बल्लेबाज भी शानदार फॉर्म में हैं। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि अगर भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल की एंट्री टीम में होती है तो भारत का जीत दर्ज करना बिल्कुल पक्का है, लेकिन अगर शुभमन गिल को टीम में खेलने का मौका नहीं मिला तो पाकिस्तान की टीम इस मैच को अपने पक्ष में कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के मैच में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।